बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्र और मध्य प्रदेश में मंत्री रहे सरताज सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह गुरुवार को नेता ने 5:30 बजे अंतिम सांस ली। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। सरताज सिंह बीते 3 दिन से अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। 85 साल की उम्र में वो बढ़ती उम्र से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। उन्होंने अंतिम सांस भोपाल में ही ली थी। रिपोर्ट्स की माने तो कल पूर्व मंत्री का अंतिम संस्कार भोपाल में ही किया जाएगा। मंत्री रहे सरताज सिंह को सरताज बाबूजी के नाम से भी बुलाया जाता था। पूर्व मंत्री का राजनीतिक करियर भी काफी बुलंद रहा है। वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा 5 बार सांसद और 3 दिन केंद्र मंत्री भी रहे हैं। 13 दिन का मंत्री पद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संभाला था, क्योंकि खुद अटल जी की सरकार 13 दिन की रही थी। चुनावी मैदान में उन्होंने कई बड़े दिग्गज नेताओं को धूल चटाई थी। साल 1979 से 1996 में उन्होंने नर्मदापुरम संसदीय सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल की थी और 3 बार रामेश्वर निखरा को हराया था। इसके अलावा 1988 में हुए लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह को लोकसभा चुनावों में हराया था। इसके अलावा 2004 को लोकसभा के चुनावों में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उन्होंने प्रतिद्वंदी को हराकर विजय हासिल की थी। साल 2013 में भी वो लोकसभा चुनाव जीतकर मंत्री बने थे, लेकिन साल 2018 उनके लिए ठीक नहीं रहा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सीता शरण शर्मा ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया था। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सर्विस न्यूज।